नमस्कार साथियों अभी के इस वीडियो में हम वर्कशीट पाँच जिसमें हम भिन्न संख्याओं से संबंधित दैनिक जीवन की समस्याएं करेंगे तो आइए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं पहले प्रश्न में बोला है यदि किसी कपड़े का मूल्य पचास रुपये प्रति मीटर है तो पचपन बटा दो मीटर कपड़े की कीमत क्या कीजिए इसे मैं एक सरल उदाहरण से समझाती हूँ ताकि आप इसे थोड़ा समझ पाएँ कि क्या कहना चाह रहे हैं जैसे मान लीजिए कि आप दुकान पर गए दुकान वाले ने बोला इस कपड़े की कीमत जो है वो सौ रुपये प्रति मीटर है और आपको लेना है सौ रुपये प्रति मीटर है और आपको चाहिए चार मीटर कपड़ा तो आप उसे कितने रुपए देंगे सीधी सी बात है आप सौ का गुणा चार से करके चार सौ मीटर रुपये चार सौ रुपये उसे दे देंगे तो वही बात यहाँ करनी है यहाँ बस पचपन बटा दो लिखा तो आपने पचास का गुणा पचपन बटा दो से कर दिया तो अपने पास उत्तर आया देखिए ये यहाँ से ये यह कट गया दो गुणा पचास से कटा दो से काटू पचास को पहाड़ा देखो तो दो धूनी चार और दो पंजे पच्चीस सॉरी दो पंजे दस तो पच्चीस और पचपन का गुणा क्या तो आ गया एक तीन सात पाँच अगला बोला है डेढ़ ये होता है डेढ़ एक और एक बटा दो को कहते हैं डेढ़ डेढ़ किलोग्राम चॉकलेट से कितने एक बटा सोलह किलोग्राम भार वाले चॉकलेट बॉक्स बनाया जा सकता है अब देखिए इनका जो कहना है ये बात ऐसी है जिसे मैं अगर सरल भाषा में बोलूँ तो मान लीजिए आपके पास चार किलोग्राम चॉकलेट है ठीक है मान लिया अब मैं आपसे बोलूँ कि एक बॉक्स है जो कि एक किलोग्राम का बनेगा तो बताइए आप कितने बॉक्स बना सकते हैं उस चॉकलेट से तो आप कुल देखो चार किलोग्राम चॉकलेट है और एक बॉक्स एक किलोग्राम का बनेगा यानी अपने पास चार बॉक्स बन सकते हैं चॉकलेट के तो अपन ने क्या किया एक से भाग दिया चार का तो चार आया तो बस यहाँ भी वही करना है जो ये डेढ़ है इसका अपन भाग दे देंगे एक बटा सोलह से मतलब जहाँ पे अपना चार और एक था यहाँ डेढ़ और एक बटा सोलह है तो पहले हम डेढ़ को एक भिन्न संख्या में लिखेंगे तो हम दो का गुणा एक से करेंगे और धन करेंगे एक इसे ऐसे ही लिखा जाता है तो दो एकम दो और एक तीन तो ये तीन बटा दो हो गया फिर तीन बटे दो का हमने भाग दिया एक बटा सोलह से तो आया ये देखो भाग देते हैं तो ये संख्या ऊपर चली जाती है तो देखो दो से सोलह का भाग दिया तो ये आठ हो गया और आठ दिया चौबीस आगे देखते हैं रीमा एक घंटे में किसी पुस्तक का एक बटा तीन भाग पढ़ती है वह ग्यारह बटा पाँच घंटे में पुस्तक का कितना भाग पढ़ेगी तो उनका कहना है कि एक घंटे में वो एक तिहाई पढ़ लेती है किताब तो ग्यारह बटा पाँच घंटे में कितना पढ़ेगी तो ग्यारह बटे पाँच गुणा एक बटा तीन सीधी सी बात है तो ग्यारह का गुणा एक में किया और पाँच का गुणा तीन में किया तो ग्यारह बटे पंद्रह भाग वो पढ़ लेगी एक पैकेट बिस्किट को बनाने में ढाई कप आटा और एक दो बटा तीन कप शक्कर का उपयोग होता है ऐसे दस पैकेट बिस्कुट बनाने में दोनों सामग्री की कुल मात्रा क्या होगी देखिए इन्हें भाग में बोला है तो हम इसे थोड़ा अपनी भाषा में समझने का प्रयास करते हैं इनका कहना है कि मान लीजिए एक बिस्किट है ठीक है उस एक बिस्किट को बनाने में कितना दो चम्मच शक्कर और चार चम्मच आटा लगता है ठीक है एक बिस्किट को बनाने में तो उनका कहना है कि दस बिस्किट बनाने में कितना लगेगा तो अगर एक बिस्किट को बनाने में दो चम्मच शक्कर लग रही है तो दस बिस्किट बनाने में दस दो नहीं बीस बीस चम्मच शक्कर लगेगी तो अपन ने यहाँ क्या, क्या किया है सीधे से दस का गुणा कर दिया उस संख्या में तो बस यहाँ पे भाग में दिया है संख्या है तो उन भाग वाली संख्याओं का दस से गुणा करेंगे पहले हमें ये जो इस तरीके से संख्या को दिया है मिक्स फ्रैक्शन में तो उसे हम ऐसे खोलेंगे तो दो का देखो क्या करना रहता है इधर गुणा करो और इधर जोड़ो तो दो दूनी चार और एक जोड़ा तो पाँच पाँच बटा दो का पाटा और एक एक बटा दो तो को देखो एक गुणा दो और धन एक तो दो एक कम दो और एक तीन तो तीन कप शक्कर तो बस अपन दस से गुणा कर देंगे इसका तो पाँच बटा दो गुणा दस अब दो से दस को काटो तो कितना आएगा पाँच और पच्चम पच्चीस पच्चीस का पाटा चाहिए और तीन बटा दो गुणा दस तो दो से काटा दस को तो पाँच आया पाँच दिया पंद्रह कप शक्कर चाहिए आगे क्या बोला है पाँच एक बटा चार मीटर लंबे रिबन फ़ीते को तीन बटा चार मीटर लंबे टुकड़ों में काटने पर टुकड़ों की संख्या क्या होगी जैसे इनका कहना है अपन अपनी भाषा में समझते हैं पहले कि अगर मैं दुकान पर गई और मैंने कहा उनके पास था चार मीटर लंबा रिबन और मुझे टीचर ने कहा है कि एक मीटर लंबे फुंदे लेके आओ है ना जितने भी उसके पास है उन सबके एक एक मीटर टुकड़े कटवा दो तो ऐसे कितने टुकड़े कटेंगे देखिए एक मीटर एक मीटर दो एक मीटर एक मीटर तो चार टुकड़े कर जाएंगे तो अपन ने क्या किया एक से चार का भाग दे दिया वही तो किया है अपन ने तो यहाँ भी अपन क्या करेंगे भाग देंगे तो पहले देखिए पाँच एक बटा चार को हमने बनाया पाँच चार का गुणा किया और धन एक तो पाँच बीस और एक इक्कीस बटा चार और फिर उसका भाग दिया तीन बटा चार से तो तीन बटा चार इधर उल्टा हो जाएगा भाग में हमने यही सीखा था तो फिर हम क्या करेंगे अब काटा पीटी मचा देंगे तो चार से चार कट जाएगा और तीन से सात इक्कीस को भाग देंगे तो आएगा सात तो सात आ जाएगा इसका उत्तर कि सात टुकड़े में बट जाएगा वो इतना बड़ा रिबन जो था तो ऐसे करके हमने आज वर्कशीट पाँच में जो भिन्न संख्याओं का डेली लाइफ अपनी रोज़ की लाइफ में जो इस्तेमाल था वो सीखा मुझे उम्मीद है आपको समझ आया होगा ऐसी पढ़ाई करते रहे मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए ओके बाय